अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फाइव। मैं हूँ आप लोगों का सर राशिद। तो चैप्टर नंबर फाइव में हमारे पास पहली एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज फाइव है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ को किस तरह मेजर किया जाता है? लेंथ को या तो किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है, या मीटर में, या सेंटीमीटर्स में। किलोमीटर्स, मीटर्स या सेंटीमीटर्स। तो किलोमीटर्स में कैसे मेजर करते हैं हम? जैसे अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो हम लिखते हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से कराची कितने किलोमीटर होता है। तो इसलिए हम किलोमीटर में मेजर करते हैं लेंथ को। एक सिटी से दूसरी सिटी की मेजरमेंट किलोमीटर में होती है। इसे हम मीटर को मेजरमेंट करना हो, वो भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज़ मीटर्स में डिस्कस होती है और सेंटीमीटर्स में क्या चीज़ सेंटीमीटर्स में डिस्कस होती है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी कन्वर्जन के बारे में बात करें तो किलोमीटर्स मीटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं और मीटर्स कैसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो जितने किलोमीटर होते हैं उतने 1000 मीटर्स होते हैं। अगर 5 किलोमीटर होगा तो 5000 मीटर्स होंगे। तो जितने किलोमीटर्स होते हैं उतने ही 1000 मीटर्स होते हैं। तो किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद आगे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किलोमीटर में कुछ लिखा हो तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 किलोमीटर हो तो वो कितने मीटर्स के इक्वल होगा? 10 × 1000। तो दिस बिकम्स 10,000 मीटर्स। तो इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल है, अगर हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 9 किलोमीटर 400 मीटर्स इनटू मीटर्स। 9 किलोमीटर और 400 मीटर्स को टोटल दोनों को मिला के मीटर्स में लिखना कि कितने मीटर्स होते हैं। तो 9 किलोमीटर का मतलब होता है 9000 मीटर्स, 9000, और 400 उसमें प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 9400 मीटर्स। तो 9 किलोमीटर 400 मीटर्स आर इन मीटर्स आर 9400 मीटर्स। तो इसके अलावा अगर हमारे पास मीटर से कन्वर्ट करना हो, कन्वर्टिंग मीटर्स इनटू किलोमीटर, तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 2181 मीटर्स है तो ये कितने किलोमीटर और कितने मीटर्स के इक्वल होता है? तो 2000 का मतलब होगा ये 2 किलोमीटर एंड 181 मीटर्स के इक्वल होता है। यानी अगर 1000 से ज़्यादा मीटर्स हों तो उन मीटर्स को 1000 या 1000 से ज़्यादा तो वो 1000 वाली वैल्यू को हम किलोमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई? 1000 वाली वैल्यू को 1000 में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 3015 मीटर्स, तो इसको हम 3000 को लिखेंगे 3 किलोमीटर्स और बाकी रह गया 15 मीटर्स। तो ये 3 किलोमीटर और 15 मीटर इसका आंसर है। तो ऐसे करके हम इसको किलोमीटर और मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 5A में जाते हैं तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक से आप लोग कर लेंगे। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे पहली चीज़ है फिल इन द ब्लैंक, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ किलोमीटर्स होती है। जो जनरली हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ किलोमीटर। तो पहले पार्ट में इसका आंसर है किलोमीटर। उसके बाद दूसरा पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज मेजर्ड इन किलोमीटर। तो दो प्लेसेस के दरमियान, जैसे दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में मेजर होता है। इस तरह सी पार्ट में ए सूटेबल यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ ए बुक। अच्छा, सी पार्ट में लेंथ ऑफ बुक, तो लेंथ ऑफ बुक कितनी होती है? तो वो तो सेंटीमीटर्स में मेजर होगी, वो किलोमीटर में तो नहीं मेजर हो सकती ना। तो लेंथ ऑफ ए बुक किस में मेजर होती है? तो इसमें मेजर होती है सेंटीमीटर्स में मेजर होती है। इसी तरह डी पार्ट है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर इसका डी पार्ट है, उसका आंसर लिख दें। जैसे ये मैं आंसर लिख रहा हूँ तो पहले पार्ट का आंसर है किलोमीटर्स, दूसरे पार्ट का आंसर है वो दूसरे पार्ट का आंसर भी
किलोमीटर है, क्योंकि दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस किलोमीटर होता है। और तीसरे पार्ट का आंसर, क्योंकि बुक की मेजरमेंट है उसमें सेंटीमीटर्स में होती है तो इसको सेंटीमीटर्स लिखते हैं। और उसके बाद 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं। आप अपनी बुक पे ये आंसर्स नोट कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ ए बुक कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। अच्छा, थिकनेस ऑफ ए बुक, बुक कितनी थिक होती है, ये एक बुक है इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इसको कहते हैं ना जो इतनी, क्या ये थिक है, तो ये कितनी थिक है, ये इसको मिलीमीटर्स मेजर करते हैं। लेकिन वो मिलीमीटर्स अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो आप लोगों को बताने के लिए है कि मिलीमीटर उसका फिर आंसर हमने लिखना है ई इज़क्ल टू mm मिलीमीटर्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे आगे तो क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स होगी। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में आप जो अभी मैंने डिस्कस किया ये चीज़ें करके इसमें ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। तो इसमें जो करने वाला क्वेश्चन है, जो आप लोग बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में करके आप लोगों को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है इसी एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है कि इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसको किलोमीटर और मीटर्स में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे पहला पार्ट है 3528 मीटर्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स और मीटर्स में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये होगा 3 किलोमीटर्स अभी मैंने बताया था और 528 मीटर्स इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या है कि 2023 मीटर्स, तो 2023 मीटर्स है, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर्स एंड 23 मीटर्स, यही होगा ना आप लोगों को। उसके बाद आगे हैं क्वेश्चन 5 के बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 में होता है कन्वर्ट लेंथ इनटू मीटर्स। अच्छा, अभी मीटर्स में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है 3 किलोमीटर्स एंड 591 मीटर्स, 591 मीटर्स, तो इसको हमने आंसर देना है वापस मीटर्स में। तो लिखने का इसका तरीका क्या होगा, जैसे हमने मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट किया और ये किलोमीटर बना दिया है, यहाँ 2 है, तो सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखेंगे 3591 मीटर्स, मतलब 591 के साथ 3 लगा देंगे तो 3591 मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका जो डी पार्ट है, लास्ट पार्ट कर देता हूँ, डी पार्ट में है 6 किलोमीटर 9 मीटर, 6 किलोमीटर एंड 9 मीटर। अब ये कैसे लिखेंगे, किलोमीटर का मतलब होता है 1000, तो ये होगा 6009 मीटर। तो 6009 कैसे लिखते हैं, 6009 मीटर, ये आप लोगों को समझ आ गया। इसको 6 किलोमीटर को लिखेंगे 6000 और 9 इसमें प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 6009 मीटर्स। तो इस तरह किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, क्वेश्चन 7 में वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन में होता ये है कि राइट ग्रेटर आर लेस, राइट साइन ऑफ ग्रेटर आर लेस। तो आपने देखना होता है कि जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंपेयर करना होता है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो पहला पार्ट है उसमें है 246 मीटर्स और ब्रैकेट 2 किलोमीटर्स एंड 946 मीटर्स। तो अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या ये कौन सा बेटर है। तो मैंने बताया था किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये तो बन जाएगा 2946 मीटर्स, और ये है 246 मीटर्स। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये स्मॉलर है, तो जब बड़ी वैल्यू होती है उसकी तरफ एलिगेटर का मुंह होता है ऐसे करके, तो ये लार्जर का मुंह इस तरफ हो जाएगा, तो इसको इसके साथ बॉक्स यू लगा देंगे। इसके बाद बी पार्ट में आ जाएँ, उसके साथ ये है 3 किलोमीटर 840 मीटर,
3 किलोमीटर 840 मीटर्स और एक स्क्वायर है और साथ लिखा हुआ है 3,448 मीटर्स। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर्स में, ये बन जाएगा 3,840 मीटर्स। अब मीटर्स में देखें तो ये मीटर्स स्मॉल हैं, ये मीटर लार्ज हैं। ये 3,800 मीटर्स हैं और ये 3,400 मीटर हैं, तो लार्ज कौन सा, ये वैल्यू होगी ना, तो इसकी तरफ बड़ा मुँह करते हैं, ठीक है। और सी पार्ट, सी पार्ट में 700 मीटर्स, 700 मीटर्स और आगे क्या है, 7 किलोमीटर। तो 700 मीटर बड़ा है या 7 किलोमीटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली 7 किलोमीटर का मतलब है 7,000 मीटर्स और ये है 700 मीटर, तो 7,000 मीटर बिगर देन 700 मीटर, तो इसका एलिगेटर का मुंह इस तरह चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह डी, ई और एफ पार्ट जो है ना, आप लोग इसके खुद कीजिएगा। आज की एक्सरसाइज एनएफ है, तो आप लोग बाकी के पार्ट जो मैंने छोड़ दिए हैं और वो आप लोग ने खुद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।